एक व्यापारी नाव में जा रहा था बनारस, तो बीच दरिया में नाव डूबने लगा, तो इसका नाव तो डूबने लगा, बगल में एक और नाव, एक और मछुआर जा रहा था, तो इन्होंने कहा यार भाई हमको ले लो तुम्हारे जो छोटे से नाव में। बोला कि जो तुम चाहे सब ले, मेरा सारा संपत्ति ले लो, मैं डूब रहा हूँ, जान जा रही है, मुझको ले लो। तो जो डूबता हुआ व्यापारी फिर उस मछुआर के नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव थोड़ा चलने लगा किनारे की तरफ, नाव में बैठने के बाद इसको थोड़ा अफसोस सुना, रे मैंने अपना पूरा संपत्ति देने के लिए वायदा कर दिया जब डूब रहा था, अब क्या करें। मछुआरे से बोला देखो भाई बुरा नहीं मानना, मैं तो पूरा देने के लिए तैयार हूँ, मेरा घरवाली नहीं माने। तो ऐसा करते हैं आधा दे देते हैं, तो आधा तो मैं घर वालों के लिए भी तो देना पड़ेगा ना, क्या करें, घरवाली है बच्चे हैं उनके लिए आधा, तो आधा तुमको दे देता हूँ। मछुआरा ने कुछ नहीं बोला, नाव और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसको आधा तो क्या, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक मुझको बचाए तो इधर से पानी से उठा के रखो तो उसका धर्म है। किसी का भी मानवता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का धर्म दूसरे को बचाना, उसने अपने धर्म से हटके तो मुझे कुछ नहीं किया, यदि हमको नहीं बचाता तो उसको पाप लग जाता था। उसको पाप लगने से मैंने इसको बचा दिया। बोला मगर आधा बहुत ज्यादा है, उनसे बात कर लें, तुम ऐसा करो तुम्हें एक चौथाई दे दो। मछुआरा ने तब भी कुछ नहीं बोला तो और आगे बढ़ा। जब किनारे लगी नाव तो उन्होंने 5 रुपये निकाल के उसके हाथ में दिए। मछुआरा ने उनको देखा, ये भी नहीं ज़रूरत है, हमने तो अपना धर्म किया है, आपसे क्या लेना है। व्यापारी को संकोच लगा, नहीं नहीं रखो कोई बात नहीं, चाय पी लो, बच्चों को कुछ खिला दो। तो सच कह रहा है, तुमने अपने धर्म पालन किया। बोलते मन ऐसी चीज है कि अच्छा काम करने का जब भी मनो तुरंत कर देना, नहीं तो उसको आगे करोगे तो वो होता ही नहीं है। कुछ भी हमें अच्छा काम करना हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करेंगे, कभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कभी गुस्सा करना हो तो वो नहीं करते, तुरंत करना मांगते। गलत काम करना हो तो तुरंत करने का मन करता है। इस प्रवृत्ति को बदलो, वही है पुरुषार्थ।